हेलो फ्रेंड्स, मैं मीना। और सब कैसे हैं आप? तो दोस्तों, अभी गुलदाउदी का सीज़न है। बहुत अच्छा, विंटर में गुलदाउदी खिलते हैं। तो देखिए कितने प्यारे खूबसूरत से ब्लूमिंग होने लगी है गुलदाउदी में, और सेवंती भी इनको बोलते हैं। तो दोस्तों, आपके यहाँ भी ऐसे ब्लूमिंग होने लगी होगी गुलदाउदी में। तो अब इनको दोस्तों, आप अगर आप अभी भी पिंच कर रहे हो तो आप पिंच करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि अब इनका बिल्कुल फुल टाइम ब्लूमिंग का है। और अभी कहीं कहीं अभी कलियां भी बन रही हैं। देखिए किसी किसी में अभी कलियां बन रही हैं, और यहाँ पे ये कलर खिल गया है। कितना प्यारा लग रहा है। और ढेर अभी इसमें और कलियां हैं, तो ये पूरा खिल जाएगा, तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो आप क्या कैसा क्या चल रहा है दोस्तों, ज़रूर बताइए कमेंट करके। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। तो आपके यहाँ कैसा गुलदाउदी में चल रहा है, कलियाँ आ रही हैं या फ्लावर खिलने लगे हैं, ज़रूर बताइए। और यहाँ पे एक मैरीगोल्ड है जो कि गिलहरियों ने थोड़ा सा छोड़ दिया है, रहम कर दिया है, तो वो निकाल देती हैं, वैसे भी उखाड़ देती हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टमाटर लगा था तो निकालना है इसमें से। खराब हो गया था। और यहाँ पे देखिए, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये टूट गया है मेरे ही हाथ लगने से। और यहाँ पे गिलहरियों से पता नहीं कैसे थोड़े से मैरीगोल्ड बच गए हैं, जो कि खिल गए हैं। यहाँ पे देखिए, गिलहरियों ने कट कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये सब गिलहरियाँ खा जाती हैं, और एक दो कलियों ने छोड़ दी हैं। तरस आ गया होगा उनको कि चलो कुछ तो खिल जाने दें हम। और यहाँ पे काफ़ी सारे, और यहाँ पे मैंने एक देखिए हॉलीहॉक का प्लांट लगाया था, छोटा सा ही प्लांट लगाया था। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना बड़ा हो गया है, और बहुत खूबसूरत लगते हैं ये हॉलीहॉक के प्लांट। उसी में एक दूसरा भी लगा हुआ है, तो उसमें से हम निकाल के कहीं और लगा देंगे। एक प्लांटर में एक प्लांट ज़्यादा अच्छे से चलता है, और काफ़ी बिग साइज़ का रहता है ये, तो आप भी लगा दीजिए। और यहाँ पर देखिए, तो अभी तो दोस्तों नर्सरी में बहुत खूबसूरत से फूल मिल रहा है, तैयार प्लांट मिल रहे हैं, तो आप वहाँ से ला सकते हैं। और मैंने नर्सरी से काफ़ी टाइम से कोई विज़िट नहीं किया है नर्सरी का, काफ़ी टाइम से कुछ भी नहीं लिया है नर्सरी से। बस यही जो कुछ है मेरे गार्डन में, उसी से कटिंग, उसी से सीड से मैं ग्रो करती रहती हूँ, क्योंकि दोस्तों इतने सारे ढेरों प्लांट हैं, गमले भी नहीं रहते हैं कि हम और प्लांट लाएं फिर उनको लगाएं। तो बस जितने हैं उसमें ही दोस्तों मैं लगाती रहती हूँ। और इसी में देखिए कितने सारे ढेरों यहाँ पे खिले कलियाँ हैं, सेवंती मैंने काफ़ी सारी लगाई हैं। इस बार तो कुछ कम है दोस्तों, जब मैं पिछली ईयर्स लगाई थी, जब मैंने सेवंती, तब काफ़ी ढेरों प्लांट थे मेरे पास। और यहाँ पे कुछ इस तरह से है, और भी हैं सेवंती दोस्तों। देखिए एक रो में ये लगी हुई है, और यहाँ पे और भी प्लांट है, तो कुछ इस तरह से चलते रहते हैं दोस्तों। और अभी मैंने थोड़ा पानी दिया है, दो तीन दिन बाद, अभी आज थोड़ी धूप निकली है तो थोड़ा सा पानी दे दिया है। और पानी दीजिए दोस्तों, दो तीन दिन में दीजिए। अभी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हो तो उनको दे दीजिए। सरसों का जो खली होती है, मस्टर्ड होता है ना दोस्तों, उसका लिक्विड हम दे सकते हैं, और अभी आप दे सकते हैं और अच्छे से ब्लूमिंग होगी आपके यहाँ। मैंने इसमें इस बार दोस्तों खाद भी नहीं दे पाए हैं हम, कुछ भी नहीं दोस्तों। जो हमारे पास किचन वेस्ट होता है, बस वही मैंने एक दो बार दिया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है इसमें। और वैसे भी आप ना भी दें दोस्तों, इसमें खाद तो भी ये हमारे किला ही है, खाद सी हो जाता है। थोड़ा सा इनको अच्छे से खाने पीने की जूस मिल जाता है, जो कि हम लिक्विड बनाते हैं खाद, वही इनका जूस है, तो थोड़ी सी एनर्जी इनको मिलती है और अच्छे से ब्लूमिंग करते हैं। तो इसलिए ज़रूर है इनको खाद देना, तो आप दे सकते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अभी आप दे दीजिए। और इनका बस ब्लूमिंग का टाइम है अब, तो ये ब्लूमिंग तो करेंगे ही। और यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा लगता है सेवंती का। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड, तब तक लिए हैप्पी गार्डनिंग। और यहाँ पे मुझे अपनी ब्लूमिंग दिखानी थी इसकी, सेवंती की, तो वही आपके साथ शेयर की है। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड, तब तक लिए हैप्पी गार्डनिंग।